सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मेरे पास इस फ्रेम में दो बजट ऑफ प्रीमियम हेलमेट्स, तो एक है अपना इग्नाइट का और एक है एग्जोर का, जो मेरे पास है वही है। तो दोनों को फट से अभी अनबॉक्स करते हैं। ये है आपका इग्नाइट का ब्रांड न्यू हेलमेट, तो इसको बॉक्स के नीचे रखते हैं। बॉक्स में क्या क्या मिलता है, आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन मिलता है और ये कुछ कीरिंग्स वगैरह है और कुछ फोटोज वगैरह है, फोटो नहीं, इट्स काइंड ऑफ स्टिकर वगैरह है जो आप स्टिक कर सकते हैं। और बाय द वे, जो भाई साहब हेलमेट है बहुत ज़्यादा फंकी है, हम भी फर्स्ट टाइम देखे थे तो एटलीस्ट हम भी पसंद आ गया थे हेलमेट को। बाय द वे, ये एक बैग मिलता है आप कैरी करने के लिए और ये रहा इसका हेलमेट। तो हेलमेट कुछ इस प्रकार से है। इसका जो स्पॉयलर है, छोटा स्पॉयलर है बट ये इनबिल्ट है, आई थिंक यहाँ से स्क्रू से टाइट किया हुआ है, ये अलग से अटैच दिया हुआ है स्पॉयलर। बाकी यहाँ से इनटेक आउटटेक का एयर का वेंट दिया हुआ है और ये कुछ फंकी ग्राफिक के साथ ये मिलता है आपको इग्नाइट का एक प्रीमियम हेलमेट, जिसकी MRP ऑलमोस्ट 4.5 के आसपास है, दैट मीन 4,500 का हेलमेट आपको मिलता है इग्नाइट की तरफ से, जो कि SIS जो इंडियन मार्क है प्लस डॉट सर्टिफाई है। 250 ग्राम का वेट है, जो कि इससे मात्र 50 ग्राम हल्का है, तो आपको उसको भी दिखाऊंगा। बाय द वे, इसका स्टिकर वगैरह यहाँ से हटा देता हूँ। इसमें एक एंटी फॉग के लिए दिया हुआ है जो कि आप निकाल सकते हो, लगा सकते हो, और साथ में एक चीज़ में एक डिमेरिट दिया हुआ है भाई साहब, ये नीचे कहाँ से होता है, हाथी से नीचे होता है क्या? इसके लिए कोई तरह का बटन वगैरह कुछ ऐसे डाला हुआ नहीं है, ये भी है तो लॉक के लिए दिया हुआ है, ये लॉक यहाँ से होता है, आप लो। बाकी वो पूरा हेलमेट और कहीं ऐसे कुछ नहीं लगा जहाँ बटन डाल करके इसको अप एंड डाउन किया जाए। तो फिलहाल मैं अभी दिखाता हूँ अपना हेलमेट, ये है एग्जोर की तरफ से, जो कि एक बजट फ्रेंडली हेलमेट है। दोनों के दोनों बजट फ्रेंडली हेलमेट है इंडियन मार्केट में। आप बताइए कि आपको कौन सा पसंद है। ये है हेलमेट, ये आप बताइए दोनों में कौन सा प्रीमियम हेलमेट लग रहा है। बाय द वे, थोड़ा एग्जोर जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा बल्की लग रहा है, बल्की में से बड़ा लग रहा है, इसमें छोटा लग रहा है। तो ये इसमें जो हेलमेट अलग से लगाया गया है एग्जोर की तरफ से, जिसका कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 1000 के आसपास है, और ये इसमें भी आता होगा बट इसमें लगा नहीं है। बाय द वे, मैं इसको बात करूँ पैडिंग और कुशनिंग का, तो भाई दोनों का पैडिंग आप देख सकते हो, हम मेरे को तो एग्जोर का पैडिंग बेस्ट लगा, और एग्जोर थोड़ा सा इससे 50 ग्राम ज़्यादा भारी भी है और बड़ा भी दिखने में, और ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, कंफर्टेबल है, बस इसका जो पैडिंग है थोड़ा कम है, और जिस रेंज पे आता है तो एग्जोर हमको बेस्ट लगा। बाय द वे, ये अपना पसंद है लुक और सबके ऊपर कि क्या कौन सा बढ़िया है, और इसमें बहुत सारा फंकी कलर भी आता है, और एग्जोर में बहुत सारा फंकी कलर आता है। इससे पहले वाले वीडियो देख चुके होंगे, एग्जोर का बहुत सारा हेलमेट मैंने दिखाया है, और आप लोगों का अपना अपना पसंद है कौन सा हेलमेट कैसा है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया भाई, इसका जो वाइजर है ना इग्नाइट का, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टील बर्ड, जानते हो स्टील बर्ड एक नामी ब्रांड है, और स्टील बर्ड का जो प्रीमियम सेगमेंट में इग्नाइट आता है, तो ये भी इंडियन ब्रांड ही है जो कि स्टील बर्ड का अपना है। वाओ, ब्यूटीफुल। चलिए आपको बस पहन के दिखा दूँ गाड़ी कितना अच्छा कम्फर्ट है क्या नहीं है। तो ये रहा कुछ इसका फिटिंग, तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, बस एक चीज़ को मिस करो भाई, ये वाइजर को नीचे करने के लिए हमको हाथ से यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई उपाय है नहीं, लेकिन कोई मैकेनिज्म ही नहीं है नीचे करने का। तो ये कुछ इस तरह का फिटिंग दिखता है, और यहाँ से ये प्रॉपर इस तरह आप देख सकते हैं जरूर। तो अब आ रही है ये अपनी एग्जोर की, और एग्जोर वाला भाई प्रीमियम लगता ही है, इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारा मॉडिफिकेशन कर चुका हूँ। इसमें मैंने ब्लूटूथ लगाया है जो रिसीवर का काम करता है, एज अ इंटरकॉम टाइप का ही है, और इसमें मैंने माइक का सिस्टम लगाया है इंटरनल से। अब पूरी तरीके से खोल के पूरा पैडिंग को मैंने सेट किया है। इसका फॉर्म ना भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला फॉर्म है, इतना ज़्यादा हार्ड है ना, मेरे को जब काटना पड़ रहा था ना इतना दिक्कत हुआ काटूँ क्या बताऊँ। बाय द वे, ये रहा इसका फिटिंग, और ये रहा कुछ इसकी फिटिंग, दोनों फिटिंग सेम है, बस ये थोड़ा हल्का सा बड़ा लग रहा है और उससे छोटा कॉम्पैक्ट है, जिसके कारण थोड़ा सा हो सके आपको अगर लाइट हेलमेट पहनने का आदत होगा तो वेट थोड़ा लगेगा आपको। और यहाँ से इसका डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है इस संघर्ष को डाउन करने के लिए, ये अप एंड डाउन इस तरह करके अप डाउन आप कर सकते हो। और ये रहा इसका कुछ लुक,
सबसे बेस्ट पार्ट, जब मैं इसको डाउन करता हूँ मेरा क्या सेक्सी लुक देता है, आप देख खुद देखो, बेस्ट इन क्लास। तो एक्चुअली क्या यहाँ से लॉक भी होता है, जब वाइजर आएगा यहाँ से लॉक भी हो जाएगा। ये रहा सब कुछ 360 लुक। सो गाइज अब बारी है इस दोनों हेलमेट को टेस्ट करने का, तो दोनों को मैं पहनूंगा, दोनों के अंदर माइक लगा हुआ है, तो आप दोनों को चेक करूंगा कि क्या क्वालिटी और विजन देता है रोड पे चलने पे। बाय द वे ये एंटी फॉग लगा हुआ है, इस कारण थोड़ा येलो टिन बढ़ेगा, बाकी सब कुछ सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा दिक्कत वाली बात तो ये होगी क्योंकि मेरे को कैमरा नहीं दिख रही है, और कैमरा में क्या रिकॉर्ड हो रहा है वो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा हेलमेट थोड़ा सा कैमरा नीचे है हेलमेट के, तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। हेलमेट का कैमरा यहाँ पर है और मेरा हेलमेट इस रेंज पे है, तो दिख ही नहीं रहा है। बाय द वे हेलमेट अच्छा है नो डाउट, बट वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखा जाए तो हम एग्जोर को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू इग्नाइट। इग्नाइट में कुछ कुछ चीज़ें का जो पैडिंग और जो भी मैकेनिज्म था तो मिसिंग था, और इसका जो स्पॉयलर है एज़ कम्पेरिजन टू इग्नाइट, इसका जो ज़्यादा शार्प स्पॉयलर है, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे तरफ में, बेस्ट इन क्लास है। और जो प्रीमियमनेस जो चीज़ आती है ना जो ग्लॉसी में, वो इस पर ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर देखा जाए अपना इग्नाइट का थोड़ा मैट है, पसंद अपना अपना है, आप पसंद किस चीज़ पे करते हो, आपको पसंद मैट आता है कि पसंद इग्नाइट आता है, वो आप पे डिपेंड करता है। और दोनों पॉकेट फ्रेंडली है, दोनों का बजट ऑलमोस्ट अंडर 5 के आसपास है। बाकी एग्जोर पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ग्राफिक्स के और वाइजर के, जो लेंस लगा हुआ है इस पर उसके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स इस वीडियो को यहीं करते हैं, और आप देख सकते हो दोनों का पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा कैसे क्या है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हो, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू वॉचिंग एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।